आज मैंने सुबह 10:30 बजे फार्म पे एंट्री मारी और देखा कि सारे ही जानवर अपना सुबह का वंडा निपटा के फारिग हो चुके थे, लेकिन हम अपने वंडे का इंतजाम खुद ही कर आए थे। मेरा मतलब है कि हमने अपना हलवा पूरी का नाश्ता फार्म पे आकर ही किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने नए फार्म पर और वहां पे देखा कि प्रोग्रेस क्या है। और प्रोग्रेस ये थी कि शेड के बनने की तैयारी हो चुकी थी। नए फार्म की सिचुएशन देखने के बाद हम आगे अपने फार्म पर बैठ के थोड़ा सा हमने किया रेस्ट करने बैठे ही थे कि कीकू ले आया अपने हाथ की गर्मा गर्म चाय। चाय पीने के बाद आगे खुली तो सारे ही जानवरों को पानी पिलाया गया और पानी पिलाने के बाद सारे ही जानवरों को अपनी अपनी जगहों पर बांधा। जहां मेहताब और तौसीफ जानवरों को अपनी जगह पे बांध रहे हैं, उमर भाई सारे जानवरों का गोबर उठाने में मसरूफ थे। गोबर उठाने के साथ साथ वंडे की तैयारी का अमल भी शुरू हो जाता है। इंतजार वंडे को बिछाने में मदद करता है और कीकू जो है मिक्स करने में। कीकू को मिक्स करता देख मुझे भी जोश चढ़ा और मैंने भी दो हाथ उसके साथ लगा ही लिए। वंडा मिक्स करने के बाद मैंने देखा कि नसर भाई पुराने टायर निकाल के नए टायर गाड़ रहे। सारे बंदे लग गए थे जानवरों को खरखरा और कपड़ा लगाने में। सारे जानवरों को खरखरा और कपड़ा लगाने के बाद टाइम हो जाता है 2:30 बजे का और 2:30 बजे के बाद थोड़ा आराम तो बनता है। रेस्ट करने के बाद अब आती है बारी जानवरों को वंडा डालने। एक एक करके सारी टोकरियां भरी जाती है और ट्रॉली में डाल के सारे जानवरों को दी जाती है और सारे जानवर अपना वंडा निपटाने में मसरूफ हो जाते हैं और हम उनको खाता देखते हुए खुश हो जाते हैं।